नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। तो दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल के अपडेट्स आ रही है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धोनी के साथ में। तो भाई ऐसी जो है ना अपडेट्स आ रही है कि MS धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स से रिटेंशन का जो पैसा है, जो फीस है, वो भाई थोड़ी सी कम लेंगे, ताकि जो चेन्नई के जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको जो है ज़्यादा पैसा मिल सके रिटेंशन में। ऐसी जो है अपडेट निकल के आ रही है ESPN क्रिक इन्फो के हवाले से। नेक्स्ट खबर बात करते हैं आंद्रे रसल, इवेन लुइस और सिमरन हिटमायर की। ये तीनों जो है वेस्ट इंडीज़ के बड़े प्लेयर्स ने अपने आप को जो है अनअवेलेबल करार कर दिया है कि जब भी वेस्ट इंडीज़ जाएगी पाकिस्तान के दौरे पे, तो ये जो है सीरीज़ में रसल, लुइस और हिटमायर खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इन्होंने जो है भाई अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब किंग्स की। तो भाई ऐसी जो है ना बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है वो 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए एक भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी। ऐसी जो है अपडेट निकल के आ रही है। KL राहुल जो है भाई ऑलरेडी पंजाब को छोड़ चुके हैं, राहुल जो है किसी नई टीम में जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। तो पंजाब किंग्स की टीम ऐसा सोच रही है कि वो किसी भी प्लेयर को रिटेन ना करे IPL 2022 के लिए, ताकि उनके पास जो पैसा है वो ज़्यादा पैसा बच सके और वो ऑक्शन से अच्छे प्लेयर को खरीद सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। तो वो आ रही है श्रेयस अय्यर को लेके। अय्यर जो है अपने आप को ऑक्शन में डालेंगे, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब ऐसी अपडेट आ रही है कि जो मुंबई इंडियंस है वो श्रेयस अय्यर को ऑक्शन से ख़रीदने को लेके बेताब है। अय्यर जो है भाई डोमेस्टिक में मुंबई के लिए खेलते हैं। मुंबई की टीम सूर्य कुमार यादव को शायद छोड़ सकती है, तब सूर्य कुमार यादव के बदले जो है मुंबई इंडियंस की टीम श्रेयस अय्यर को ऑक्शन से ख़रीदेगी। ऐसी जो है अपडेट निकल के आ रही है। वहीं भाई बात करते हैं धवन की। देखिए भाई बहुत लोग जो है हम लोग समझ रहे थे कि शिखर धवन जो है अहमदाबाद या फिर लखनऊ की टीम में जाएंगे ड्राफ्ट के जरिए, लेकिन शिखर धवन ने ऐसा बोल दिया है कि शिखर धवन भी जो है श्रेयस अय्यर के जैसे ऑक्शन पूल में जाएंगे। यानी कि जो शिखर धवन चाहते हैं कि वो ऑक्शन में जाए, उनको पैसा मिले और वो किसी नई टीम में जाए, ऐसा धवन ने कंफर्म कर दिया। बात करते हैं RCB की। देखिए भाई विराट कोहली अब RCB की कप्तानी नहीं करेंगे, तो RCB की टीम में जो है अभी तक उनका नया कप्तान किसको बनाया जाए इस बारे में कोई भी सोच विचार नहीं किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिटेंशन की। तो भाई हम सभी को पता है 30 नवंबर को जो है IPL 2022 का रिटेंशन होने वाला है। बहुत लोग जो है इसके टाइमिंग पूछ रहे थे, तो भाई 30 नवंबर को शाम को 5 बजे लाइव रिटेंशन आएगा। आप लोग जो है स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर और हॉटस्टार के ऊपर लाइव देख सकते हो आसानी के साथ में। मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया। बात करते हैं श्रीसंत की। तो भाई श्रीसंत ने ऐसा बोल दिया, एस श्रीसंत जो है अपना नाम IPL 2022 के ऑक्शन में देने वाले हैं। भाई मैं चाहता हूं कि श्रीसंत को जो है कोई ना कोई फ्रेंचाइज खरीदे, ताकि उनको जो है दोबारा से IPL में खेलने का मौका मिल सके। बात करते हैं अगली अपडेट की। तो वो आ रही है बिग बैश लीग को लेके। भाई बिग बैश लीग की जो डिफेंडिंग चैंपियन है सिडनी सिक्सर के इंपॉर्टेंट प्लेयर कार्लोस ब्रैथवेट भाई इंजरी के चलते ये साल बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तब सिडनी की टीम ने जो है सिक्सर की टीम ने ब्रैथवेट के बदले में क्रिस जॉर्डन को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है बिग बैश लीग के। एट दी एंड बात करते हैं सेकेंड टेस्ट मैच की। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है भाई वानखेड़े के स्टेडियम में। तो वानखेड़े के स्टेडियम में जो है ना 7,500 फैंस को एंट्री मिलेगी टिकट के जरिए, जो कि इतने फैंस आके स्टेडियम में लाइव मैच देख सकते हैं वानखेड़े में। ये थी हमारी भाई आज की अपडेट, मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ भाई कल के वीडियो में और भी अपडेट्स लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।